माय चैनल दिस इज योर बॉय अमन प्रजापति दिस इज अ गर्ल खुशी प्रजापति एंड दिस इज अ गर्ल पायल प्रजापति। तो फ्रेंड्स आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूजिंग ओनली रेड थिंग्स फॉर 24 घंटा। तो गाइस इस चैलेंज में क्या होगा, हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक जितनी भी चीजें यूज करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की होनी चाहिए, यानी कि हम पहनेंगे, ओढ़ेंगे, खाएंगे, वो सारी की सारी चीजें रेड होनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? थैंक यू सो मच गाइस, आपने ब्लू और पिंक थिंग्स को इतना प्यार दिया इसलिए हम लोग आज लेके आए हैं रेड थिंग्स। सो गाइस अगर आप इस चैलेंज को भी उतना ही प्यार दोगे तो हम लेके आएंगे यूजिंग ब्लैक थिंग्स फॉर 24 आवर्स। फिलहाल इस चैलेंज की बात करते हैं, अभी के बज रहे हैं 10 और सुबह उठते ही करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हम लोग करते हैं ब्रश। तो चलो ब्रश करते हैं, वरना गंदे गंदे दांत हो जाएंगे हमारे पीले। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर ब्रश, और ब्रश के लिए हमारे पास रेड कलर का टूथब्रश और रेड कलर का टूथपेस्ट। अब देखते हैं मम्मी रेड कलर का टूथपेस्ट लेके आई है कि नहीं। आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये रेड है ही, तो हम आपको क्या दिखाए फिर भी दिखा रहे हैं। देखो ये रेड कलर का है। सो अब पायल इससे ब्रश करेगी फाइनली 15 इयर्स के बाद। कुछ भी बोलता रहता है ये। सो गाइस लिटरली ब्रश नहीं करती है। नहीं यार सबको ऐसा मत बोल यार। क्या हो जाएगा? सच बता देगा इसको। अच्छा मेरी कसम का है। तेरी कसम? तो मेरी कसम तो खा ही लेगी ना। तेरी कसम, मेरी कसम, जिसकी ना। इसको छोड़ो गाइस, ब्रश करते हैं। चलो ब्रश रोज करें और मैं जा रहा हूँ पोगड़े करने। मैंने पायल और खुशबू ने ब्रश कर लिया है और अब है बारी नहाने की, और नहाने के लिए हमारे पास है रेड कलर का लाइफबॉय का साबुन, रेड कलर की बाल्टी जो इस बार मम्मी बहुत ही छोटी लाई है, रेड कलर की तौली जिससे हम अपने शरीर को पोछेंगे, और रेड कलर का मग, इसके अंदर पानी है, मतलब तुम लोग मेरे पर पानी डलवाना चाहते थे। क्योंकि मैं बार बार ऐसे करता हूँ इसलिए हमारा प्रैंक अनसक्सेसफुल हो गया है। इस बार मैं पानी नहीं हुआ हूँ। नहाने के बाद यहाँ पे हो रहा है मेकअप, देखते हैं आज कैसा मेकअप होता है, क्यूट वाला कि फनी वाला। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने रेड कलर की टी शर्ट पहन ली है और नीचे व्हाइट कलर का जींस पहन लिया है। मुझे ना रेड कलर का जींस कहीं भी नहीं मिला, कोई भी दुकान पे नहीं मिला, बहुत ही सिलेक्टेड दुकान खुली हुई थी उसमें भी नहीं मिला, तो इसलिए मैंने नीचे व्हाइट कलर का जींस पहना। इतना तो चीटिंग चलता है, आप अमन भैया को माफ कर सकते हो। और पायल और खुशबू अभी तक मेकअप कर रहे हैं, पता नहीं कितना वो लोग तैयार हो रहे हैं, पिछले आधे घंटे से तैयार हो रहे हैं और मैं आधे घंटे से यहाँ पे एकदम हैंडसम से बनकर रेडी हूँ। पायल खुशबू कितना देर यार, कितना वेट कराओगे, पिछले आधे घंटे से वेट करा रहे हो तुम लोग मुझे। दस मिनट में मैं पूरा खाना पीना सब हो जाएगा, मेरा खाना बनाना हो जाएगा, मैं गाइस को नहीं बताऊंगा तुम लोग का मेकअप, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो करूंगा ही ना, बस 5 मिनट। हाँ ठीक है चल 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं खुद ही रिवील कर दूंगा। 5 मिनट बोल के पूरा आधा घंटा लिया है, मीन्स पूरा 1 घंटा लिया है इतना सा तैयार होने में। सो अब बता दो गाइस को 3 2 1। कितने खूबसूरत दिख रहे हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, गाइस बोलेंगे आपको। मेरे लिए तो तुम लोग बकवास ही हो, लाइक अ डस्टबिन। गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। हम लोग ने पहने रेड कलर की कुर्ती, रेड कलर की लहंगी, रेड कलर का इयर रिंग और रेड कलर का दुपट्टा। हाय दुपट्टा, हाय रे दुपट्टा, क्या था लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके से, गाइस ने हमको देख लिया हाय रे धोखे से। धोखे से नहीं दिखाया तुम लोग ने, जानबूझकर दिखाया जिससे सिर्फ तुम लोग की तारीफ हो और मुझे सब इग्नोर करें। बहुत ही होशियार हो तुम लोग, और वैसे भी हम लोग विश्व सुंदरी है। तुमसे खूबसूरत कोई है ही नहीं, है ना, ऐसी तुम लोग की गलत फैमिली है। पूरा 1 घंटा लिया मेकअप करने में और अभी भी इनका कुछ रह गया है। अब ये कर रहे हैं अपना नेल आर्ट, रेड कलर की नेल पॉलिश से, पता नहीं क्या शौक चढ़ा है इनको इसी चैलेंज में सब चीज करने का। मम्मी मैं पूरे 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि ये लोग कब किचन में जाके रेड कलर का खाना बनाए, पर इन लोग को थोड़ी भी शर्म नहीं है कि ये भाई के लिए कुछ खाना बनाया। शर्म है कुछ? अब ये लोग नहीं जाएंगे किचन में, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा और पूरा किचन का पता है ना फिर हालत क्या होगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो जाने वाली नहीं। अरे
तो खुशबू पान ले जाएंगे तो आप जाओगे ही ना, प्लीज आप तो मेरे ऊपर दया करो यार, कोई तो मुझे खाने का दो टाइम से। इसमें मम्मी को क्या बोलू, मम्मी खुद ही इन लोग का साथ दे रही है। मेरी मम्मी भी इन लोग की जैसे ही निकली, नेल आर्ट की शौकीन। यहाँ पे खुशबू और पायल मिलके बेडशीट बिछा रहे हैं, ये रेड कलर का जिसपे हम बैठ सके, क्योंकि कब से हम नीचे बैठ रहे हैं इसलिए। ये लोग तकिए में कवर लगा रहे हैं रेड कलर का, ताकि आराम से तकिया अपने सर के नीचे रख के सो सके। और यहाँ पे खुशबू बहन तो सो भी गई, अब बारी है पायल की। पायल देखते हैं पायल क्या करती है। ये भी खुशबू की बहन है इसलिए ये भी सो गई, दोनों आलसी बहन है। मुझे अकेला छोड़ देते हैं और दोनों सो जाते हैं। सिस्टर्स लव इट। फाइनली गाइस अब हम किचन में आ चुके हैं और आज बनेगा रेड कलर का ढोकला। गाइस ढोकले के बैटर को रेड करने के चक्कर में खुशबू ने इसमें सीजवान चटनी डाल दिया, फिर भी ये ढोकले का बैटर जो है वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रह गया। उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, इसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया बट वो एकदम फेल हो चुका है। और इतना गंदा ये स्मेल मार रहा है ना ढोकले का बैटर, आप समझ नहीं सकते। ढोकले के बैटर में अब हम लोग ये क्या बोलते हैं, बीट रूट डाल के देखते हैं, अब देखते हैं रेड कलर आता है कि नहीं। गाइस यहाँ पे मम्मी को बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि मम्मी का जो ढोकले का बैटर था जो वो प्यार से लेके आई थी वो खराब हो चुका है, इसलिए रेड कलर का जो ढोकला है वो नीचे बन रहा है। पता नहीं वो रेड बनेगा कि नहीं, इसलिए मम्मी ने हमें दिया ये रेड कलर का दाड़म और रेड कलर का जूस, तो एंजॉय करते हैं। गिरा दिया हर चीज, ये गिरा देते हैं। सो फ्रेंड्स मम्मी ने इतना सारा अनार दिया था बट ये दोनों बहनों ने मिलके, मीन्स खुशबू और पायल ने मिलके सारा खा गई है। अब मैं बताऊं मैं क्या खाऊंगा, मैं कैमरा हैंडलिंग कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सारा जो खाना है वो तुम लोग खा जाओगे। आप ही बचे कुछ ये खुशबू दाने। हाँ हाँ ये खुद तूने ही खाया होगा, खुशबू तूने ही खाया होगा, मुझे सब पता है ना, तूने कम खाया होगा है ना। मुझे फ्रूट्स पसंद है तो मैं खा ली। देख मेरा अनुमान सही निकला कि तूने ही खाया है। तो फाइनली गाइस हमारा रेड ढोकला जो है वो बनकर रेडी है। यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा होगा आपको ढोकला, यहाँ पे मम्मी बनाकर ला चुकी है। लिटरली गाइस हमारे आंखों में से आंसू आ गए थे कि अब हम ये चैलेंज जो है वो हारने वाले हैं, लेकिन अब हम ये चैलेंज नहीं हारेंगे क्योंकि मम्मी रेड ढोकला बनाकर ला दी है। तो छोटी कैसा लग रहा है तुझको ये ढोकला? सो थैंक यू बोलो मम्मी को प्लीज। गाइस बड़ी बहन सो चुकी है इसलिए छोटी बहन को भी नींद आ रहा है। जो ये काम करती है वो इसे भी करने का बहुत ही मन करता है। खुशबू जी का है ना कॉपी करने का आदत जाएगा नहीं। एक कॉपी करने का और एक ओवर एक्टिंग करने का। सो गाइस अभी के बज रहे हैं 3 और मुझे भी बहुत ही नींद आ रही है। यहाँ पे खुशबू और पायल दोनों सो चुके हैं इसलिए अब मुझे भी नींद आ रही है। सो मैं भी जा रहा हूँ सोने, सो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अब खेल ले क्योंकि तेरा इस बार का टेडी बियर रेड है और चैलेंज भी हम रेड कर रहे हैं, इसलिए अब तो मैं मौके पे चौका मारूंगी। हाँ, आज तो ये जी भर के खेलेगी अपने ढोलू रेड कलर के साथ। और साथ में पायल भी खेलेगी नर्सरी के बच्चों की तरह। पायल और खुशबू मिलके ये येलो पोहे को रेड कर रहे ताकि हम डिनर में कुछ खा सके। सो गाइस रेड कलर की थाली में रेड कलर का पोहा खाते हैं जो खुशबू और पायल ने मिलकर बनाया है। सो टेस्ट करके देखते हैं कैसा बनाया है। सो एकदम बकवास बनाया तुम दोनों ने मिलके, इतना बकवास तो मैंने आज तक नहीं खाया। मुझे लगा गाइस ये दोनों ने बनाया होगा तो एकदम स्वादिष्ट बनाया होगा, लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। सो गाइस क्या करें, यही काम चलाना पड़ेगा, यही खा के सोना पड़ेगा। मिलते हैं खाने के बाद क्योंकि मम्मी को जाने के लिए लेट हो रहा है खाना बनाने के लिए उनका, इसलिए मम्मी को भेजते हैं और हम यहाँ पे डिनर अपना कंप्लीट कर लेंगे। देख रहे हो ये दोनों बहनों को, अपने हाथ का खाना अच्छा नहीं बना तू भी खा रहे, क्योंकि फूड वेस्ट ना हो। ये वीडियो में पायल जो है वो मिस्टर इंडिया बन गई, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। मैं ये लोग के लिए झाड़ू लेके आया था रेड कलर का कि ये लोग मेरा पूरा घर जो है साफ करेंगे ये वाला रूम, बट अब ये नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया है, क्योंकि नए झाड़ू को पहले यूज करने से पहले साफ करना पड़ता है, उसमें का जितना डस्ट है वो निकालना पड़ता है। इसलिए कितनी खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। और आपको इट्स डेजर्ट टाइम गाइस, और डेजर्ट में है हमारे पास ये छोटा सा मिनी सा रेड वेलवेट केक। सो गाइस हमने बहुत सारे बड़े बड़े केक खाए जैसे डॉल केक, जैसे ब्लू फूड में ब्लू केक, अब है बारी ये छोटा सा मिनी सा केक खाने की। सो गाइस खुशबू खाएगी।
पायल दीदी की बारी, अब बारी है मेरी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज अमन डांसर रियल। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।